और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज से समस्तीपुर अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जल निकासी हेतु लगी पंप सेट बंद रखने पर अपने निर्देश अनुसार जिलाधिकारी FIR दर्ज करें। सुरेंद्र ताजपुर 2 जुलाई 2021 जल निकासी हेतु लगे पंप सेट को बंद कर राशि बंदरबांट करने की शिकायत मिलने के बाद समस्तीपुर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने जल निकासी हेतु लगे पंप सेट को बंद रखने पर संबंधित कार्य एजेंसी एवं अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके जल प्लावित ताजपुर प्रखंड अंचल कृषि कार्यालय पर लगे पंप सेटों को बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को बंद देखा गया। इसे लेकर भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि जल निकासी के नाम पर पंप सेट, डीजल, ट्रैक्टर, जेसीबी, मजदूर आदि के नाम पर रुपए का बंदरबांट संबंधित अधिकारी कर्मी आदि करते रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कहा है कि जिलाधिकारी की चेतावनी के बाद भी जल निकासी हेतु प्रखंड मुख्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगे पंप बंद देखे गए हैं। उन्होंने बंद पंप सेट का वीडियो जारी करते हुए संबंधित संचालक, कार्य एजेंसी आदि पर सरकारी कार्य में कोताही बरतकर राजस्व की हानि पहुंचाने की FIR दर्ज करने की मांग की है, ताकि आगे से कोई इस प्रकार की लापरवाही नहीं कर सके। समस्तीपुर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर का बयान आया था कि जल निकासी क्षेत्र में कोई भी पंप लगाया गया पंप सेट यदि बंद मिलेगा तो जो पंप सेट संचालक है, जो एजेंसी है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज होगा। अभी ताजपुर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, कृषि कार्यालय पूरा पानी में डूबा हुआ है। ताजपुर का बहुचायत क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। बावजूद इसके ब्लॉक कार्यालय में लगा हुआ दोनों पंप सेट बंद पड़ा हुआ है। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई किया जाए। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर।